तो बल्क मॉडल्स की आज की प्रॉब्लम्स में जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके अंदर पहला पॉइंट है कि जो बल्क मॉडल्स की प्रॉब्लम्स के अंदर बल्क मॉडल्स को बी या के से रिप्रेजेंट किया जाता है। बल्क मॉडल्स की प्रॉब्लम लिक्विड में या फिर गैसेस में इसका कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कंप्रेस हो सकती हैं, गैस भी कंप्रेस हो जाती है और लिक्विड भी कंप्रेस हो जाता है। बल्क मॉडल्स का फॉर्मूला है कि फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी विद नेगेटिव साइन। बताया था नेगेटिव साइन क्या शो करता है, क्योंकि आपका वॉल्यूम छोटा हो जाएगा तो छोटा होने की वजह से फाइनल वॉल्यूम छोटा आएगा इनिशियल से, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगता है, लेकिन अगर एक्सपैंड हो रहा है फिर माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था माइनस फोर्स बाय एरिया डेल्टा वी बाय वी। कभी कभी इसकी जगह लिखा जाता है प्रेशर, क्योंकि गैसेस में क्या पाया जाता है, प्रेशर, फोर्स बाय एरिया प्रेशर। और कभी कभी इसकी जगह ये लिखा जाता है चेंज इन प्रेशर, कोई एक ही बात है, प्रेशर या चेंज इन प्रेशर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि आपने कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया उसको कंप्रेस करने के लिए या चेंज इन प्रेशर क्या हुआ, एक ही बात है। वैसे टेक्निकली चेंज इन प्रेशर वाला डेफिनेशन ज़्यादा बेटर है, चेंज इन प्रेशर। तो डेल्टा पी माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। तो ये फॉर्मूला क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं हमने। नेक्स्ट है इसमें प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ लो जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। अगर आपके पास कोई एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, ये नहीं करवाया मैंने, आपको नोट कर लें, लिक्विड की हाइट कंटेनर में एच है, तो ये लिक्विड इसके बेस पे क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, पूरा लिक्विड बेस पे प्रेशर लगाएगा, और वो प्रेशर क्या होगा, एच इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये स्टैंडर्ड है, इसे प्लीज नोट कर लें। तो प्रेशर हाइट ऑफ लिक्विड की वजह से क्या लगता है, एच रो जी। तो हाइट ऑफ द लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये फॉर्मूला है प्रेशर का। ये फॉर्मूला की डेरिवेशन में प्रेशर चैप्टर में करवाऊंगा, जब फॉर्मूला जब चैप्टर होगा प्रेशर उसमें मैं करवाऊंगा इसे। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक ठीक है, यहां तक कोई कहता है ये चेंज इन प्रेशर है, देखो हाँ ऐसा बोल सकते हो, कैसे, यहां पर पानी का प्रेशर क्या है, बोलो यहां पर पानी का प्रेशर यहां पर जीरो है, क्योंकि इसके ऊपर पानी है ही नहीं, लेकिन यहां पर पानी का प्रेशर कितना है, एच रो जी प्रेशर है। तो डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर कितना हो गया, पी टू में से पी वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एच रोज, एक ही बात है। तो पानी की वजह से चेंज इन प्रेशर कितना है, एच रोजी, या प्रेशर बॉटम पे कितना है, एच रोजी, बात एक ही है। समझ में आ रहा है कि पी और डेल्टा पी का कॉन्सेप्ट क्या चलता है, फॉर्मूला ये लगेगा लिक्विड की वजह से प्रेशर का, डेल्टा पी या पी एक ही बात है, एच रोजी ही लगेगा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, ठीक, तो करें स्टार्ट। इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं देखें, तो इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट, जैसे इस न्यूमेरिकल से अगर हम स्टार्ट करें, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड, फाइंड बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, पानी का बल्क मॉडुलस निकालना है। क्या गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, आपको प्रेशर गिवन है एटमोस्फेरिक प्रेशर्स में, फाइनल वॉल्यूम गिवन है लीटर में, और ये गिवन है कि एक एटमोस्फेरिक प्रेशर इतने पास्कल के इक्वल होता है। और प्रेशर होता क्या है वैसे, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको पास्कल भी बोलते हैं, ऐसा ही सिस्टम में पास्कल है। तो इसमें प्रेशर एटमोस्फेरिक है, पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 1.013 × 10⁵ से क्या किया, इसे मल्टीप्लाई, तो ये प्रेशर की वैल्यू आ गई। इनिशियल वॉल्यूम लीटर में गिवन है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब आ गया। फाइनल वॉल्यूम भी लीटर में गिवन है, 100.5 × 10⁻³ मीटर क्यूब आ गया। यहां से फाइनल वॉल्यूम बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, जबकि हमने फॉर्मूले में हमेशा क्या लगाया कि वॉल्यूम हमेशा कंप्रेस हो जाएगा, पर यहां पर कंप्रेस नहीं हो रहा, यहां पर एक्सपेंशन हो रही है, होने तो कोई बात नहीं। चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आने की बजाय क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव। बल्क मॉडुलस के की डेफिनेशन में अब माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस तब लगता है जब कोई चीज क्या होती है, कंप्रेस, जब एक्सपैंड होती है तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो चेंज इन प्रेशर आपको गिवन है, आपने ऊपर से निकाल लिया, एटमोस्फेरिक को पास्कल में कन्वर्ट करके, डेल्टा वी की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, डेल्टा वी बाय वी में वी का मतलब इनिशियल वॉल्यूम होता है, और इनिशियल वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 × 10³। सॉल्व करके आंसर आएगा, तो
स्टेप समझ में आ रहे करना क्या है। और यूनिट्स बल्क मॉडल्स के भी पास्कल हैं, क्योंकि प्रेशर पास्कल में है और इसके जो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर पास्कल में आएगा। तो मेथड समझ में आ रहा है। और एक और चीज़, अगर कन्फ्यूजन है माइनस के अंदर तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बल्क मॉडल्स कभी भी नेगेटिव आता ही नहीं। तो अपने मन में मॉड लगा लेना, जैसे कई लोग कह रहे थे मॉड लगा ले, मॉड लगा लो, बड़े में से छोटा वॉल्यूम माइनस कर लो, बात ही खत्म करो, झंझट ही खत्म हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो के नेगेटिव मत निकालना, मेरे कहने का मतलब क्या, ये पॉइंट क्लियर है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसे करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, ये रहा पहला। तो प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज फ्रॉम दिस, एक स्टेटमेंट मिसिंग है, टू 1.165 into 10 की पावर 5 पास्कल। नोट कर लो इसे, करेक्शन है इसमें। अब क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन है, द प्रेशर ऑफ द मीडियम इज चेंज्ड फ्रॉम, क्या गिवन है, इनिशियल प्रेशर गिवन है, राइट? तो इनिशियल प्रेशर क्या गिवन है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। फाइनल प्रेशर गिवन है कितना, 1.165 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी आ जाएगा, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, 1.165 into 10 की पावर 5 में से माइनस करके ये टर्म आ जाएगी आपके पास इतने पास्कल, ठीक, डेल्टा पी आ गया आपके पास। अब क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, मतलब डेल्टा वी बाय वी 10% है, 10% क्या होता है, 10/100, तो डेल्टा वी बाय वी भी आ गया। क्या निकालना है, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, क्योंकि ये क्या होता है, नेगेटिव तो होता ही नहीं, डेल्टा भी हमारे पास है, पुट कर लें, डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू ये रही 0.1 आ जाएगी, सॉल्व करके ये भी पुट कर लें यहाँ पर, सॉल्व करके आंसर आएगा, बल्क मॉडल्स निकाल लेना, कोई माइनस प्लस का चक्कर ही नहीं है, क्योंकि बल्क मॉडल्स का भी नेगेटिव आएगा नहीं, आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा। क्या है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक,